वरिष्ठ भाजपा नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने पत्रकारों द्वारा प्रदेश के ताजा घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया मांगने पर वीडियो क्लिप जारी करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों से मीडिया एवं सोशल मीडिया पर हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में हुए तथाकथित भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा चल रही है। बार बार सवाल उठाए जा रहे थे, पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ इन्हें इंगित भी किया जा रहा था, जबकि प्रदेश सरकार ने विजिलेंस विभाग को इसकी जाँच तुरंत प्रभाव से शुरू कर दी थी, लेकिन आलोचक इसके बावजूद आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नैतिक कारणों से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने त्याग पत्र दिया है, जिसको वे स्वागत योग्य कदम करार देते हैं। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। धूमल ने कहा कि पूरी तरह से जांच करके मामले की तह तक जाया जाना चाहिए और जो दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। डॉक्टर बिंदल ने यह भी मांग की है कि इस मामले की पूरी तरह से निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने विश्वास जताते हुए कहा कि इस मामले को लेकर जो चर्चाएं व्यक्ति विशेष पर हो रही थी वे अब समाप्त हो गई हैं, जांच निष्पक्ष होगी और सच्चाई सबके सामने आएगी। पिछले कुछ दिनों से मीडिया और सोशल मीडिया में हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग में हुए तथाकथित घोटाले की बहुत चर्चा चल रही थी। बार बार प्रश्न उठाए जा रहे थे, पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ इंगित किया जा रहा था, जबकि प्रदेश सरकार ने इसकी विजिलेंस से जांच तुरंत प्रारंभ करवा दी थी, इसके बावजूद आलोचक आलोचना में लगे हुए थे। तो नैतिक कारणों से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल ने त्याग पत्र दे दिया है, ये स्वागत योग्य कदम है। जांच पूरी होगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, पूरी जांच करके मामले की तह तक जाया जाए, जो भी दोषी हो उसको सजा मिले। डॉक्टर बिंदल ने भी यही मांग की है कि निष्पक्ष जांच हो। अब जो चर्चाएं इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष पर की जा रही थी वो समाप्त होगी और जांच निष्पक्ष होकर सच्चाई लोगों के सामने लाएगी, ऐसा हम विश्वास करते हैं।